हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी मैं जा रहा हूँ शोरूम ESD के अपने बाइक को लेके। सो प्लान ये है कि मेरे को लेग गार्ड लगवाना था। दो तीन दिन पहले मैंने पूछा था इनको फ़ोन करके, तो इनके पास लेग गार्ड अवेलेबल था थर्सडे को, बट मैं जा नहीं पाया। मेरे शाम को इनसे बात हुई थी 5 बजे के आसपास, और 1 घंटे में उनका शोरूम बंद होने वाला था और मैं जा नहीं पाया। तो आज मैं जा रहा हूँ फिर से, बट मैंने उनको कॉल नहीं करा है। मैं इधर ही गुड़गांव वाले शोरूम ही जा रहा हूँ, गुड़गांव में जो ESD जावा का है वहीं जा रहा हूँ। उनको कॉल नहीं करा, मैंने कहा चल के देखते हैं, मिल गया तो ठीक है मैं लगवा लूँगा, नहीं हुआ तो थोड़ी बाइक भी चल जाएगी, एक छोटी सी राइड हो जाएगी, ज़्यादा दूर तो है नहीं, 10-12 किलोमीटर पर ही होगा। और दिल्ली में बहुत गर्मी है, दिल्ली गुड़गांव में NCR में काफ़ी गर्मी है, टेम्परेचर 48 तक चला जाता है। अभी मैं सोना रोड पे हूँ, यहाँ पे एटलीस्ट ये फ्लाईओवर जो बन गया है वैसे थोड़ा सा शेड मिल रहा है तो अच्छा है, अदरवाइज़ बहुत धूप है। अभी भी 43 तो होगा ही, मतलब इतना टेम्परेचर तो होगा ही, अभी काफ़ी गर्मी बढ़ रही है, इसलिए ना बाइक निकालने का भी इतना हो नहीं पा रहा है मेरा, क्योंकि या तो फिर सुबह सुबह जल्दी निकलो और मतलब 7-8-9 बजे तक वापस घर आ जाओ, वरना फिर हो जाती है धूप। अभी भी देखो जैसे अभी 11 बज रहे हैं, तो 9 बजे से पहले मतलब आप घूम फिर के आ जाओ घर, अगर आप कहीं शॉर्ट राइड पे हो। बट गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है इसलिए चलाने का हो नहीं रहा था। आज भी मैं निकला हूँ, मेरे को पता है अभी 11-12 बजे आते हुए और भी गर्मी बढ़ जाएगी, बट और कोई टाइम मिल नहीं रहा था। शाम को फिर कुछ और प्लान था, मैंने कहा मैं अभी ही जाता हूँ घर के आता हूँ। सो हम पहुँच गए ऑलमोस्ट इधर ESD के शोरूम पे। चलो कहीं पे बाइक लगाते हैं। स्क्रैम्बलर का लेग गार्ड आ गया है क्या? जी? स्क्रैम्बलर का लेग गार्ड वर्कशॉप पे। ये इधर से ही है सर्विस सेंटर? सर्विस है क्या? नहीं नहीं वो लेग गार्ड चाहिए उसका। इनका सर्विस सेंटर है, चेक करते हैं। और मैम स्क्रैम्बलर का लेग गार्ड आ गया क्या? हाँ तो अब मेरा रह गया कि एक बार मुझे फिर से आना होगा शाम को 4 बजे, मैं इनको एक बार कॉल करके आ जाऊँगा। कह रहे अगर वैसे कह रहे मिल जाएगा, इन केस नहीं मिला तो कह रहे थे आप आके पेमेंट ले जाना अगर आज नहीं मिला, वरना कह रहे हैं कि आ ही जाएगा कोई दूसरा। दिल्ली में कोई शोरूम है जहाँ पे अवेलेबल है, और हैंड गार्ड वगैरह कह रहे वो नहीं अरेंज हो पाएगा। हेडलाइट ग्रिल बोल रहे थे जो मेरे पास ऑलरेडी है, और ऑन लेग गार्ड। तो ठीक है, अभी मुझे फिर से आना होगा अब एक बार शाम को, तब देखते हैं। बाकी आपने देखा अभी, मतलब मैं ज़्यादा अंदर शूट नहीं कर पाया क्योंकि मैं जैसे ही अंदर पहुंचा
उनके एक बंदे ने देखा कि मेरे हेलमेट में कैमरा है और उसने बोल दिया सर आप हेलमेट पहले उतार दो। तो ठीक है, नो ऑफेंस उस चीज़ पे, ऑब्वियसली शोरूम उनका है तो ये अपना वो रख सकते हैं, बट तो मैंने वहाँ पे हेलमेट उतार दिया था इसलिए मैंने अंदर को शूट नहीं करा, छोटा सा सर्विस सेंटर है। ठीक है, अब मैं फिर से आपसे मिलता हूँ शाम को 4 बजे, बताता हूँ कि लेग गार्ड आया कि नहीं आया और क्या सीन है। सो अभी टाइम हो रहा है 4:30 और मैं वापस शोरूम की तरफ जा रहा हूँ। सो इससे पहले जब मैं गया था इनके पास, इनके पास एक्सेसरीज थी नहीं, लेग गार्ड था नहीं, तो उन्होंने बोला कि ये दिल्ली से मंगवा देंगे, बट मेरे को पहले अगर मैं कुछ पहले पे कर दूँ उनको तो मैं उनको 1,000 रुपये दे दिए थे, 1,500 रुपये के आसपास का खर्चा है, 1,000 रुपीज़ मैंने उनको दे दिया है। और मैंने थोड़ी देर पहले 1 घंटे पहले उनको कॉल करा तो इन्होंने बोला कि हाँ एक्सेसरीज आ गई है और मैं आके लगवा सकता हूँ। उन्होंने कहा 4:30 के बाद आना कि बंदा फ्री हो लगाने के लिए। तो लेग गार्ड आ गया है फाइनली, इन्होंने मंगवा दिया है, अभी बस मैं और 5 मिनट के अंदर शोरूम पहुंच जाऊंगा, अफ्ट लेना है और सर्विस सेंटर और शोरूम दोनों आ जाएंगे। अगेन वहाँ पे वो मुझे अलाउ नहीं करेंगे रिकॉर्ड करने का, तो मैं आपको मिलता हूँ लगवाने के बाद और फिर मैं आपको बताता हूँ मेरे को वो एक्चुअल कितने का था, और फिर कहीं पर रुक के मैं आपको ना वो दिखा भी दूँगा अच्छे से। सो फाइनली मेरे को लेग गार्ड मिल गया, ज़्यादा देर लगी नहीं, उन्होंने 15-20 मिनट में उन्होंने लेग गार्ड लगा दिया था। सो ये लेग गार्ड है, क्वालिटी तो अच्छी है इनकी, क्योंकि जब मैंने ये हेडलाइट ग्रिल भी लगाया था ना, मुझे इसकी क्वालिटी अच्छी लगी थी। छोटा है बस ये चीज़ है, आई डोंट नो कितना प्रोटेक्ट करेगा ये। ठीक है, सो ये मेरे को कॉस्ट करा है ऑलमोस्ट 1,500 रुपये, 1475। बिल उन्होंने दिया नहीं, कह रहे उनका मशीन नहीं चल रही, तो उन्होंने मुझे बिल नहीं दिया, कह रहे थे हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे एक दो दिन में, तो मेरे को अभी बिल नहीं मिला है। बाकी मुझे लेग गार्ड ठीक लगा है, 1500 के हिसाब से ठीक लगा है। यहाँ पे आप अगर देखोगे ये अगर आपको कोई ऑक्सिलरी लाइट फॉग लाइट लगानी है तो उसके लिए उन्होंने यहाँ माउंट पहले से ही बनाया हुआ है कि आप ईज़िली कोई भी एक्स्ट्रा लाइट यहाँ पर लगा सकते हो, और काफ़ी ठीक है, मतलब 1500 के हिसाब से ठीक है, बहुत बल्की भी नहीं है, छोटा ही है, लुक्स में भी अच्छा लग रहा है बाइक में। वरना अगर आपको थोड़ा और प्रोटेक्टिव चाहिए तो आप जाना का ले सकते हो, वो यहाँ से लेके पूरा इंजन का भी साइड में कवर करता है, कॉम्पैक्ट है वो भी, वो ऑलमोस्ट आपको शायद 3,200 या 3,300 कुछ इसके आसपास आपको कॉस्ट करेगा। उसके कंपैरिजन में ये 1500 बहुत सस्ता है, क्वालिटी इसकी भी अच्छी है, नो डाउट 1500 के हिसाब से। साइज़ हाँ छोटा है, कॉम्पैक्ट है, जाना वाला साइड से भी कवर करता है, पूरा केज टाइप एक बन जाता है, बट आई थिंक ये ठीक रहेगा, मेरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा, कुछ तो प्रोटेक्शन रहेगी। बाकी मैं आपको एक बार साइड से भी दिखा देता हूँ, ये ऐसे लग रहा है। हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट करा था कि ये जो मैं मोबाइल माउंट यूज़ कर रहा हूँ कि मैं इसके बारे में थोड़ा सा एक वीडियो में डाल दूँ, तो मैं बोबो का यूज़ कर रहा हूँ, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया हुआ है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक वगैरह मिल जाएगा, अमेज़ॉन से मैंने लिया था, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, और ये मैंने सेंटर में इसको माउंट करा इधर पे, तो ये अच्छा आ गया है। थोड़ा सा एंगल ये है कि अगर मैं इसमें फ़ोन लगाता हूँ ये मतलब स्ट्रेट है काफ़ी, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, जैसे अभी ये फ़ोन लगा हुआ है और अगर मैं अभी बाइक में बैठता हूँ तो ये थोड़ा ऐसे स्ट्रेट है, ये थोड़ा सा मुझे था कि ये पीछे हो जाए, आपको थोड़ा सा ना डाउन होकर देखना पड़ता है, बस एक वो ही मुझे इसमें फ्लॉ लग रहा है क्योंकि ये वाला रॉड बीच में आ रहा है और ये इसका ज़्यादा
एक्सटेंशन ना मतलब ये छोटा है पीछे का रॉड और ये वाला फंस रहा है, अगर हम इसको रोटेट करके लगा दे लैंडस्केप में तो मुझे लग रहा है कि फिर आप एडजस्ट कर पाओगे, बट मुझे पोर्ट्रेट में ही चाहिए था, इसी सेटअप में चाहिए था इसलिए। बट ठीक है, मतलब मैं बहुत अभी तो ज़्यादा मेरा ऐसा कुछ ऐसा यूज़ हुआ नहीं है, लोकली मैं बाइक इधर उधर ही लेकर गया हूँ जहाँ पे मुझे रास्ता ऑलमोस्ट पता है। मैंने आज ऐसी कहा कि चलो मैं आज पूरे जो भी दो बार गया हूँ आज जो भी गया हूँ मैं कहा मैं वह लगा के रखता हूँ थोड़ा सा, यू नो मुझे भी माउंट का पता चलेगा कि अगर आज मैं इसका एक शॉर्ट रिव्यू दूँ तो मैं आपको ठीक से बता पाऊँ। बाकी ये चीज़ अच्छी है, मीटर आपका राइट साइड में है और ये आपका इधर लेफ्ट में, तो ये कुछ भी ब्लॉक नहीं कर रहा, कोई आपका व्यू ब्लॉक नहीं कर रहा, आपका मीटर को ब्लॉक नहीं कर रहा है। चार्जर इधर है पास में, आप आराम से यहाँ पे लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है, कहीं पे भी ये टच वच नहीं करता। और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है चार्जर की स्पेशली, आप इसको टाइट कर लो ये फिक्स रहता है, अभी तक तो कभी लूज़ हुआ नहीं है, हो गया है इसको जब से बाइक लिया मैंने, नेक्स्ट डे ही फिट कर लिया था, मैंने पहले ही मंगवा लिया था, 1100 रुपये का मिला था ये, मैंने विदाउट चार्जर वाला लिया था क्योंकि फ़ोन मतलब गाड़ी में बाइक में ऑलरेडी एक चार्जर है तो मेरे को नहीं था कि मैं ये भी एक चार्जिंग वाला लूँ और एक और बैटरी में कुछ एक्सटर्नल कनेक्शन करवाऊँ, तो ये मैंने नॉन चार्जर वाला लिया था, 1100-1200 रुपये का मिलता है अमेज़ॉन में, आपको नीचे लिंक होगा आप देख लेना वहाँ पे, अदरवाइज आप देख लेना। इसमें कलर्स भी थे, यहाँ पे ये जो कलर है ये ब्लैक हो जाएगा, सॉरी ये ब्लैक है ये सिल्वर हो जाएगा, एक ब्लू था, इसमें कलर्स का भी ऑप्शन था, तो मैं कहा चलो ये भी मैं इसी में कवर कर लेता हूँ। एक चीज़ और पूछी थी कि मतलब मेरी हाइट के हिसाब से क्या मेरे पैर आ रहे हैं, मेरे पैर बिल्कुल नॉर्मल आ रहे हैं, नीचे टच हो रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी हाइट 5'10" 5'11" है और कोई इशू नहीं है। बाकी डिपेंड्स, अगर आप बहुत ज़्यादा टैंक के साथ चिपक के बैठोगे तो आपका पैर नीचे पहुंच जाएगा, बट मैं थोड़ा सा पीछे होके बैठता हूँ थोड़ा सा गैप दे के, फिर भी मेरा आ रहा है ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जिनके थोड़ी सी कम हो वो थोड़ा और टैंक के पास बैठेंगे तो उनका पहुंच जाएगा। सो 5'10" है मेरा हाइट, 5'10" 5'11" और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों पैर मेरे सही नीचे आ जाते हैं, सो कोई इशू नहीं है ज़्यादा हाइट मतलब उसका कोई इशू आएगा नहीं। मेरे ख्याल से 5'7" 5'8" वाले भी इसको ईजिली चला पाएंगे, बट फिर भी मैं रेकमेंड करूँगा एक बार आप शोरूम में जाके बाइक को एक बार अच्छे से बैठ के देख लेना। और मैं शूज़ भी ज़्यादा कोई हाई हील टाइप वाले शूज़ भी नहीं है, मेरे नॉर्मल शूज़ है, तो मेरे को ऐसा सच कोई इशू नहीं हुआ कि मेरे पैर नीचे नहीं पहुँच रहे। सो यही था, लेग गार्ड मेरे को लगवाना था, मेरा हो गया। और एक बार मेरे को चार्जर मतलब होल्डर का एक छोटा सा फीडबैक देना था, एक छोटा रिव्यू देना था एक्चुअली, वो भी हो गया है। सो आज के लिए ब्लॉग इतना ही है, पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक ज़रूर करना, और अगर आप कुछ और जानना चाहते हो इस बाइक के बारे में, कोई भी टॉपिक जो आप चाहते हो मैं कवर करूँ, तो आप ज़रूर मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं बनाऊँगा। जैसे अभी मोबाइल होल्डर के लिए मुझे बोला था, हाइट के लिए बोला था कि एक वीडियो में थोड़ा सा बता देना, तो मैंने कहा मैं कवर कर लेता हूँ। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग पे, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ओके बाय।